आज मैं आपको एक ऐसे होम रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों को काला घना और लंबा बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप अपने बालों को काला घना और लंबा बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको इस होम रेमेडी को 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते तक लगातार आपको प्रयोग करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। और फ्रेंड, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो तो 1 वीक तक आप इसे रेगुलर यूज़ करें, फिर आप इसे मंथ में 4 से 5 बार लगा सकते हैं। फ्रेंड, इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपके हेयर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको इस रेमेडी को कैसे बनाना है, चलिए देखिए। फ्रेंड, सबसे पहले हम लेते हैं एक लाल प्याज। जी हाँ, लाल प्याज में ये आज की होम रेमेडी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्याज को छील लेना है। फ्रेंड, आप ये देख के प्याज लें कि आपका प्याज लाल ही होना चाहिए, क्योंकि लाल प्याज में अधिक सल्फर होने के कारण ये आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी तो कई इतने अच्छे अच्छे हेयर के प्रोडक्ट आते हैं जिनमें कि आपको प्याज ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड, आप अपने घर पर बना के ही अपने बालों को काला घना और लंबा बना सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिया है एक प्याज और अब मैं इसे अच्छे से छील लूंगी। फ्रेंड, प्याज का रस आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी फास्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को छील लिया, अभी मैं इसे ग्रेट करने वाली हूँ। फ्रेंड, जब हम प्याज को ग्रेट करते हैं तो हमें इसका जूस निकालने में बहुत ही आसानी होती है, नहीं तो अगर आप प्याज को पीसेंगे तो आपको उसमें पानी ऐड करना होगा। और हम इस रेमेडी में पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ हेयर ऑयल और प्याज का रस, बस यही 2 चीज़ें हैं जिन्हें मिला के हम इसे बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको प्याज लेना है, उसे अच्छे से ग्रेट करना है। एक प्याज इनफ होगा, क्योंकि हमें इसे सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, पूरे बालों पे इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमें अपने स्कैल्प पे ही काम करना है, जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट भी होगी, साथ ही साथ हमारे बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपके हेयर में जू और लीकों की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। गर्मियों में बड़ों को तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चों के हेयर पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके किसी बच्चे के सर में जुएं हैं, लीकें हैं, उनसे आप परेशान हैं, तो आप उसको प्याज का रस लगाएं आप उसके बालों में और देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आज मैं बता रही हूँ ऐसे लगा सकते हैं, इससे हेयर ग्रोथ भी फास्ट होगी और आपके बच्चों के सर के जू और लीकों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने प्याज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड, अब मैं इसे छान लूँगी और इसे अच्छे से दबा के इसका जूस निकाल लूँगी, क्योंकि हमें प्याज का जूस ही चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने प्याज को लिया और उसे अच्छे से छीला और ग्रेट किया, अभी मैं इसका जूस निकालूंगी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने ली एक छन्नी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो मैंने अभी ग्रेट किया था। अब इसे आप अपने हाथों से ही दबा के इसका अच्छे से रस निकाल सकते हैं। फ्रेंड, प्याज का रस आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपको हेयर पे, आपके स्कैल्प पे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हेयर पे इचिंग होती है, आपको स्कैल्प पे इचिंग होती है, या फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से आपके हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके हेयर लॉन्ग होते हैं लेकिन आपके हेयर पतले ही हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देख सकते हैं मैं अभी प्याज का जूस निकाल रही हूँ और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 ऐसे मैजिक हेयर ऑयल जो कि हमारे बालों के लिए सच में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैंने अभी जूस निकाल लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। फ्रेंड, प्याज का जूस हमारे लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको ज़्यादा जूस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, 1 चम्मच इनफ है, बस इतना ही जूस हमें लेना है। और इसमें हम अब मिलाने वाले हैं क्या, आप खुद ही देख सकते हैं कि अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ कैस्टर ऑयल। जी हाँ, जिसे बोलते हैं अरंडी का तेल। तो जो कैस्टर ऑयल होता है ये हमारे बालों के लिए सच में बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम अपने बालों को घना करना चाहते हैं तो हमें कैस्टर ऑयल प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड, मैंने तो डाबर का लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई और है तो आप ले सकते हैं। डाबर का कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 चम्मच ही हम इसे लेंगे, इतना ही इनफ है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही लगाना है।
फ्रेंड दूसरा हेयर ऑयल मैं इसमें लेने वाली हूँ वो है नारियल का तेल। जी हाँ, आपको नारियल के तेल में विटामिन ई मिलेगी और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। तो फ्रेंड मैं नारियल का तेल जो यूज़ कर रही हूँ ये केरला का बहुत ही अच्छा और शुद्ध नारियल तेल है। आपके पास जो भी है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बस ये देख के लेना चाहिए कि आपका हेयर ऑयल प्योर 100% नेचुरल होना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने इसमें लिया प्याज का जूस, कैस्टर ऑयल और नारियल तेल। अभी मैं लेने वाली हूँ ड्रॉपर। जी हाँ, इससे हम अपने स्कैल्प पे बहुत ही आराम से इस हेयर पैक को लगा सकते हैं। फ्रेंड अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कॉटन की हेल्प से भी अपने हेयर पे इसे लगा सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप लगाएंगे तो ये आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छे से फैल जाएगा और आप इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। एक आप जो भी फेस के लिए सीरम यूज़ करते हैं उसमें ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है, और आप अपना सीरम जब यूज़ कर लें तो आप इसे फेंके नहीं, आप इसे अपने हेयर के लिए यूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी तरीके से आप अपने हेयर पे अपनी जड़ों पे लगा सकते हैं किसी भी ऑयल को या फिर किसी भी होम रेमेडी को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका प्रयोग कैसे कर रही हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. ना फ्रेंड, मैंने इसे अपने पूरे हेयर पे लगा दिया है। अभी मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इतना ही इनफ होता है। ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, सल्फर होने के कारण हमारी हेयर ग्रोथ भी फास्ट होने लगती है, और प्याज तो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। ये कैस्टर ऑयल भी बहुत ही अच्छा होता है, नारियल तेल भी बहुत अच्छा होता है जिसमें आपके विटामिन ई पाया जाता है जो कि आपके बालों को बढ़ने में मदद करता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को शाइनी भी बनाता है। तो फ्रेंड आप इसका प्रयोग हफ्ते में एक हफ्ते आप इसे लगातार यूज़ करें, फिर आप इसे महीने में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो वो फास्ट हो जाएगी और आपके हेयर भी लॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड हेयर इतनी जल्दी लॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उस पर काम करेंगे अच्छे से अपने हेयर पे, और रात दिन हम अच्छे से उसकी केयर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हेयर लॉन्ग नहीं हो सकते हैं, हमारे हेयर भी लॉन्ग हो सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा काम करने की, अपने हेयर को टाइम देने की। जैसे आप अपनी स्किन को टाइम देते हैं, अपनी हेल्थ को टाइम देते हैं, वैसे ही अगर हम अपने हेयर की भी केयर करेंगे तो ज़रूर हमारे हेयर लॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड इससे आपके हेयर लॉन्ग तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे। और अगर किसी को लीक और जुओं की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके हेयर पे बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है, ईचिंग होती है, ये सभी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की या फिर आपके स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम है, सब इस
रेमेडी को यूज़ करके सही होने वाली है। तो आप इसका प्रयोग लगातार करें, फिर आप अपने हेयर को किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें और फ्रेंड आप इसे एक हफ्ते तक रेगुलर जरूर यूज़ करें, तभी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप देख सकेंगे कि आपके बाल एक महीने में ही 4 से 5 इंच लंबे हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है जिसमें आपको मार्केट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये हेयर ऑयल और प्याज तो हर किसी के घर पे होता ही है। बस दो चीज़ें आपको चाहिए और आपकी बहुत ही अच्छी होम रेमेडी तैयार हो जाएगी और आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक कि अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय फ्रेंड।